দেওবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাত তৃতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপথ গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰভাই দামোদৰ দাস মোদীয়ে। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে বন্দে। 4 জুনত ভাৰতবাসীয়ে NDA-ক নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দিয়াৰ পিছত আজি NDA-ৰ সংসদীয় সমিতিয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীক নিৰ্বাচিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংসদীয় দলৰ নেতা এবং NDA-ৰ সংসদীয় দলৰ নেতা আৰু লোকসভাৰ নেতাৰ ৰূপত माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। এইবাৰৰ NDA-ৰ বিজয়ক মহা বিজয় আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। ইয়ে NDA কা মহা বিজয় হে। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था। वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा NDA। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, NDA। फिर हारे कहां से भाई, पहले भी NDA थी, आज भी NDA और कल भी NDA है। আৰু অনাগত 5 বছৰলৈ নহয় অনাগত 10 বছৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ NDA-ক লৈ কৰিছে নতুন পৰিকল্পনা। অনাগত 10টা বছৰত দেশে দেখিব নতুন বিকাশৰ যাত্ৰা 2024ৰ পৰা 2034লৈ। দেশে NDA-কে গৰীব কল্যাণকে গুড গভৰ্ণেন্সকে 10 সাল দেখা হে, ইতনা নহয় মই কৈ সকতা হওঁ দেশে ইছে জিয়া হে। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहता हूं कि सामान्य मानवी के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। এই নির্বাচনী যাত্রাক সফলতম করে তোলার বাবে NDA-র সকল তৃণমূল কার্যকর্তাক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী কলে, যাহা কম ওয়াহা হাম। হর দলকে কার্যকর্তা যে পুরুষার্থ কিয়া হ্যায়, পরিশ্রম কিয়া হ্যায়, মানে আজ সংবিধান সদন কে ইস সেন্ট্রাল হল সে সর ঝুকা করকে উনকো প্রণাম করতা হুঁ। হর কিসি নে ইহি সোচা, যাহা কম वहां हम, अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया है। प्रधानमंत्री देशवासी दिले प्रतिश्रुति। सरकार चलाने के लिए
बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। আনহাতে ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বে ই ভি এমক লৈ ইন্ডি এলায়েন্সৰ নেতাসকলে কৰিছিল নানান কটু মন্তব্য। আৰু আজি ই ভি এমক লৈ বিৰোধীয়ে কৰা ৰাজনৈতিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। আমলোক 4 জুন কে নতিজে চল ৰহে থে, মই তো আপনে কাম মে কুছ ব্যস্ত থা, বাদ মে ফোন ফিন আৰা শুরু হো গয়ে। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा, मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। 2024 बीजेपी अकले जिमानखन आसन लाभ करिले, कांग्रेसे विगत 10টা বছৰতো সিমান আসন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে বুলি কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ব্যৰ্থতাক ব্যংগাত্মক কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो मोदी बैठ गया है, वो चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। আনহাতে এইবাৰ দক্ষিণ ভাৰত আৰু কেৰালাত এনডিএৰ যি উত্থান হৈছে, সেই উত্থানৰ বাবে কাৰ্যকৰ্তা আৰু নেতাসকলক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। হিন্দুস্তান কে ৰাজনৈতিক ইতিহাস মে আৰু হিন্দুস্তান কি ৰাজনীতি মে গঠবন্ধন কে ইতিহাস মে প্রি পোল এলায়েন্স ইতনা সফল কভি ভি নহীঁ হুৱা হে जितना कि एनडीए हुआ। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं, इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था, उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन गया। নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সমৰ্থন জনাই এনডিএৰ সকলো অংশীদাৰী দলৰ নেতৃত্বই। মেৰে পিতা आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था, और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मोदी जी, यू ट्रूली इंस्पायर्ड द नेशन। एज लॉन्ग एज यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री,
Our country will never bow down to anyone, sir. সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমে নমন কৰে দেশৰ সংবিধানক। ভিডিঅ' ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ।